बेसन लिया है एक कप, ये कढ़ी बनाने जा रहे हैं, हल्दी एक चुटकी नहीं आधा चम्मच, उसके बाद हींग डालेंगे, अब हींग डालेंगे आधा छोटा चम्मच, फिर नमक, नमक डाल दिया, अब इसको पकौड़ियों को घोल लेंगे, जैसे चिल्ला का दो बनाते हैं ऐसे थोड़ा सा गीला गीला से घोल लेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से कम ये हाथ जो हम चला रहे हैं ना, कम से कम 50 बार चलाएंगे, 50 बार से ज़्यादा ही चला लिए, ये हमारा फूल गया है, इसको 5 मिनट रख देंगे। तेल डाल देंगे कढ़ाई में, रख के 5 मिनट हो गए और कढ़ाई भी तरह हमारी गर्म हो गई, और इसमें हम पकौड़ियाँ चुआ देंगे, चुआ ली, इसको 2-3 मिनट इधर पकने देंगे। बनाने के लिए हींग और मेथी का होना ज़्यादा ज़रूरी है थौका बनाने के लिए, उसके बाद कड़ी पत्ता तेज पत्ता आप डाल सकते हो, वो पकौड़ी पलट दी हैं, लाल लाल हो गई हैं, अब इनको निकाल लेंगे, बचा हुआ हमारा ये है बेसन, इसमें हम दही डाल देंगे, ये हमारा 1 कप बेसन था जिसमें हमने आधा कप बेसन की पकौड़ी बनाई और बाकी कढ़ी के लिए दही, दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, डालेंगे उसी प्रोसेस से, मैंने कहा ना 50 बार घुमाना है, घुमाइए मथानी से मथ लीजिए अच्छे से, घुमाने से बहुत बढ़िया फूल जाता है बेसन, और ये घुमाने के बाद फिर हमको इसको 5 मिनट रखना है, छौंके हम सबसे पहले डालेंगे मेथी, डालेंगे जीरा, जीरा मेथी डाल दिया, अब हींग डालेंगे, तेज पत्ता और लाल मिर्चा अगर आप खाते हो या फिर हरा मिर्चा जो भी आप खाते हो, उसके बाद हम अपने कढ़ैया की आंच थोड़ी धीरी कर देंगे ताकि कि दही फटे ना, और फिर अपना ये बैटर डाल देंगे, गाढ़ी गाढ़ी से लग रही है, इसमें हम पानी डाल देंगे, नमक आखिरी में डालना क्योंकि नमक डालने से कढ़ी जो है कभी कभी फट जाती है, तो हम नमक थोड़ा बाद में डाल देते हैं, आप चाहे प्याज भी डाल के छौंक सकते हैं, इसके बाद हम अपनी पकौड़ियाँ भी डाल देंगे ताकि अच्छे से इसमें फूल जाए, पकौड़ियाँ डाल दी हैं और हमारी जो है कढ़ी कम से कम 15 मिनट तक कस के खोलेगी, ठीक है, क्योंकि खोल खोल के हो जाती है ना गाढ़ी, बहुत पतली कढ़ी नहीं अच्छी लगती है, पानी नमक आखिरी में जब खोल खाल जाएगा तब आखिरी में डाल देंगे, बहुत लोग नमक साथ में डाल देते हैं कढ़ी फट जाती है, बेकार जाती, और हमने जो है 1 कप बेसन में 500 ग्राम दही लिया था, ये हमने एकदम नॉर्मल कढ़ी बनाई है जो घर में बनती है, इसके बाद आप पता है इसमें और कई तरह से गुजराती तरह छौंका लगा सकते हैं, जैसे आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं तो हल्की मीठी हो जाएगी, गुजराती बन जाएगी, फिर उसके बाद पाउडर तेल में छौंक के इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो लाल मिर्चा पाउडर जो होगा तेल में छौंक के वो डालने से भी बहुत अच्छी लगेगी, इस तरह से आप कर सकते हैं, आखिरी में हरी धनिया तो पड़ेगी लेकिन इस तरह से कढ़ी बन रही है, अगर 15 मिनट हो गए हमारी कढ़ी बन चुकी है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, मिर्चा आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, ठीक है, बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़, थैंक यू।